हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, किवें हो? उम्मीद करता तुसीं सारे बहुत वधिया होवोगे। देखो स्टूडेंट्स, आपां तैयारी कर रहे हैं टैट की। टैट दे विच आपां पंजाबी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैप बाय स्टैप आपां टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है आ है देखो लगा मात्रा। पहला तो यह पता होना चाहिए अपन लगा की ने, ठीक है? लगा मात्रावां की ने, किवें यूज़ होंदियां ने, आपां सारा कुछ अज उन्हां बारे डिस्कस करांगे। तो जिमें लास्ट क्लासेस दे विच, पिछले क्लासेस दे विच आपां डिस्कस कर चुके हैं भी जिहड़ी लगा ने वह 10 लगा होंदियां ने, ठीक है? हुण देखो पहला आपां इह पता होना चाहिए लगा मात्रावां की होंदियां ने, दैन फिर आपां डिस्कस करांगे। देखो जिहड़ियां लगा मात्रावां होंदियां ने ना, इह किसी भी अक्खर दे नाल यूज़ होंदियां ने, चाहे तो अक्षर तो पहला आ जाए, चाहे अक्षर तो बाद आ जाए, चाहे अक्षर के उत्ते यूज़ हो, चाहे अक्षर के पैर के विच यूज़ हो जाए, ठीक है? इकली लग कदे भी नहीं आऊगी, तो ना ही उसका कोई बेस। जिस तरह कह लो भी अपन जे आप गल करते हैं रोटी की गल कर लो, है ना, जिवें हुण रोटी दे नाल आपां नूं नाल कोई ना कोई सब्जी वैजीटेबल लैनी पैंदी है। जे आपां खाली रोटी खाइए, है ना, वह निगरनी औखी हुंदी है, तां उहनूं आपां नूं सही तरीके नाल जां स्वाद बनाउण दे लई आपां नूं सब्जी दाल सब्जी की लोड़ हुंदी है। उसी तरह जिहड़ी लगा मात्रावां ने ना, वह अक्षरां दे नाल लगदियां ने, बिना अक्षरां तों अपने उहनां दा कोई बेस नहीं हैगा, ठीक है? हुण देखो लगा मात्रावां बारे पता लग गया भी लगा मात्रा अक्षरां दे नाल लगदियां ने, अगे लग सकदियां ने, पिछे लग सकदियां ने, उपर लग सकदियां ने, नीचे लग सकदियां ने, ठीक है? तो लगा मात्रावां होंदियां किन्नियां ने? देखो लगा मात्रावां 10 होंदियां ने। आ देखो लगा मात्रावां टोटल 10 होंदियां ने, पहला तां 10। हुण 10 लगा मात्रावां दे विच्चों देखो एक मुक्त है, आ देखो मैं मुक्ता लिखा होया, ठीक है? मुक्ते का कोई सिंबल नहीं होंदा। देखो बाकी जिवें आ देखो कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकण, ठीक है? पहला देखो आप पंज दे उत्ते डिस्कस करांगे, 10 लगा मात्रावां होंदियां ने टोटल, ठीक है? हुण मुक्ते का कोई सिंबल नहीं होंदा। देखो लगा मात्रावां 10 होंदियां ने जिहड़ी अक्षरां दे नाल लगदियां ने। हुण देखो फस्ट मुक्ता, मुक्ता है ना जिहदा उहदा कोई सिंबल नहीं होंदा हैगा, वह बस अ मतलब आड़ा जिहड़ा उहदा साउंड रीप्रजेंट करदा। हुण देखो जिस अक्षर नूं कोई लग ना लगे उस नूं मुक्ते वाला अक्षर कहा जाता है। ध्यान नाल सुनो, देखो जिस अक्षर नूं कोई लग ना लगे उस नूं मुक्ते वाला अक्षर कहा जाता है। मतलब जिहड़ा अक्षर कोई भी है ना जिहदे नाल कोई भी मात्रा जिहड़ी, हुण लग नूं देखो लग मात्रा जिवें नाम तों ही पता लग रहा मात्रावां, है ना? देखो आपां जिवें तुहानूं दस्सिया, देखो इहनां दे सिंबल ने आपां कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, मुक्ता विदाउट सिंबल है, ठीक है? देखो यह जिहड़ी अ धुनी का साउंड है, अ जिहड़े अक्षरां दे नाल कोई मात्रा नहीं लगेगी पर उहदे विच अ दी साउंड आएगी आड़े दी, उहदे नूं आपां मुक्ते वाले अक्षर कहिंदे। हुण देखो इह किहड़े अक्षरां दे नाल नहीं आउंदा, जिहड़े दे उत्ते एग्जामिनर डायरैक्ट प्रश्न पुछदा, उह प्रश्न इवें पुछदा वी मुक्ते आ किहड़े अक्षरां दे नाल यूज़ नहीं होंदा। देखो उत्तर हैगा ऊड़ा ते ईड़ी। जिहड़ा ऊड़ा है ना ते जिहड़ा ईड़ी वाला अक्षर है, इसनूं छड्ड के इह बाकी सारिआं दे नाल इसकी वरतों की जाती है। देखो जिहड़े अक्षर ऊड़ा है, ऊड़ा प्लस ईड़ी, उत्थे मुक्ते की वरतों कदे हो ही नहीं सकती उत्थे, क्योंकि यह पंजाबी का रूल है, ठीक है? देखो कोई भी लैंग्वेज है जी रूल के आधार पर खड़ी है। जिमें आप एक बिल्डिंग बनाने हैं ना, बिल्डिंग बनाने के लिए सब तो पहला आप जी नींह है नींह मजबूत करते हैं, दैन आप पिलर गढ़ते हैं, है ना? जो हूँ आप नींह नहीं मजबूत करा, पिलर नहीं गढ़ा तो छत किमें पालोंगे, ठीक है? वह पै ही नहीं सकती। उसी तरह किसी भी लैंग्वेज के कोई ना कोई नियम होंगे, नियमों के संग्रह में आप व्याकरण कहने, ठीक है? हुण देखो उसी तरह जिहड़ी इह है ना मुक्ता है, मुक्ता ऊड़ा ते ईड़ी, इस नूं छड्ड के बाकी सारे अक्षरां दे नाल इह वरत्या जांदा है। बस दो अक्षरां दे नाल नहीं वरतेगा, ना ऊड़े दे नाल वरतो होएगी इहदी ते ना ईड़ी दे नाल। हुण देखो जिवें एग्जाम्पल सत, चमक, ठीक है? उस तो बाद होर आपां एग्जाम्पल दे सकदे हां, है ना? जिवें देखो
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਮਕ, ਦਮਕ, ਦਮਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਊੜੇ ਅਤੇ ਆੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਊੜੇ ਅਤੇ ਈੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਧੁਨੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਅਧੁਨੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਵੀ ਅਧੁਨੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਭਾਈ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਅ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਵੀ ਅ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਧੁਨੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਊੜੇ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ ਊੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕੰਨੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਊੜੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਊੜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਈੜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਨਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਮੈਟੀਕਲੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੰਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਈ ਧੁਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ
पहला लगती है ते इस दे एह ऊड़े ते आड़े। देखो जिमें एह ऊड़ा ते ईड़ी सीगा, एह ऊड़ा ते आड़ा, आड़े दे ऊड़े दे नाल इसकी वरतों नहीं की जाती, ठीक है। बाकी सारे अक्षर वरते जाते हैं। हुण देखो जिमें तुसी लिख दोगे इस, ठीक है, विद्यार्थी, एग्जाम्पल है इहदियां। देखो बट जिहड़े अक्षरां दे विच ऊड़ा होएगा आड़ा होएगा उत्थे आपां इहदी वरतों कर नहीं सकते हैगे। जिवें हुण देखो कदे तुसी, हुण देखो आ गया ऊड़ा ते आ गया आड़ा, कदे ऊड़े दे नाल सिहारी लगी देखी है, ऊड़े दे नाल कदे नहीं सिहारी लगती, जां आड़े दे नाल सिहारी कदे आती होनी। इदां जरूर आ जाएगा विद्यार्थी, आ देखो, आ देखो जदों आपां विद्यार्थी पा रहे हां आड़े तो पहला ददा आ गया, यह ददे दे नाल वरतों हुई है, आड़े दे नाल नहीं हुई, आड़े दे नाल तां कन्ने दी वरतों हुई है। समझ आ रहे हैं? देखो एग्जामिनर आ चीज़ां दे उत्ते थोड़े तो डायरैक्ट प्रश्न पूछदा है। देखो ये जिहड़ा सिहारी है ये ई दी आवाज़ है जिहड़ी वह रीप्रजेंट कर रही है, ठीक है। दैन आपां गल करदे हां बिहारी दी। हुण जिहड़ी बिहारी है यह किहदी साउंड रीप्रजेंट करती है? देखो मैं लिखिया होया यह ई दी साउंड रीप्रजेंट करती है। हुण देखो ई दी ओ साउंड ए रीप्रजेंट करती है, ई दी ओ साउंड ए रीप्रजेंट करती है, बस फर्क की है ईदे विच आवाज़ ना थोड़ी डार्क है, थोड़ी आवाज़ दे उत्ते स्ट्रेस है, जोर है, दबाव है, ठीक है। ईदी जिहड़ी साउंड है ना वह थोड़ी जी साउंड लंबी होंदी है, ठीक है। तो यह ई तो नहीं दा चिन्ह इसकी वरतों अखर के बाद दे विच कीती जांदी है। देखो सेम ऊड़ा ते आड़ा जिमें इस च सेम इवें इस दे विच है, बस फर्क की है देखो यह आवाज़ इहदी थोड़ी जी ज़्यादा है ते यह अक्षर दे बाद दे विच वरती जाती है, जदों कि जिहड़ी सिहारी है वह अक्षर दे पहला वरती जाती है, ठीक है। आहां इन्हां दोनों दे विच मेजर डिफरेंस है। हुण देखो जिमें एग्जाम्पल नाल तुसीं बड़ी जल्दी समझोगे। हुण देखो जिमें एग्जाम्पल आ देखो दीपक आ जे पै गया ना, दीपक आ बन गया दीपक, आ बन गया दीपक, दिस इज रोंग, आ वाला रोंग है, दिस इज अ राइट, आह वाला ठीक है, ठीक है। फिर उस तो बाद आपां किन्ने ही अक्षर ले सकते हैं जिन्हां दे नाल जिहड़ी अपनी बिहारी यूज होंदी है। हुण जिवें देखो आह एक शब्द है नहीं, नहीं देखो इत्थे आवाज़ ज़्यादा आ रही है। देखो ना शब्द हैगा ना दे विच आवाज़ ना दे बराबर है, जां आ देखो नाह ये तो कदे हुंदा ही नहीं हैगा, दिस रोंग, ठीक है। ये ना दे लई वरत्या जांदा क्योंकि आपां बिहारी की गल कर रहे हैं, दिस इज रोंग, दिस इज राइट, आ वाला राइट है, आ कदे नहीं होएगा, ठीक है। जिहड़ी बिहारी है यह अक्षर दे हमेशा बाद दे विच आएगी ते इहदा जिहड़ा काम है वह अक्षर दे उत्ते इहदे कंपैरिजन ज़्यादा दबाव पाना है, थोड़ा जिहा जिहड़ी इहदी साउंड है ना बिहारी धुनी की जिहड़ी साउंड है वह थोड़ी जी डार्क है। जिवें देखो इहदे विच किहा जांदा ई, इस, एह, ठीक है, विद्यार्थी, दीपक, दीपक शब्द नहीं होंदा दीपक होंदा, बट इहदे विच जिहड़ा शब्द है जिवें नहीं दीपक जिहड़ा अक्षर है ना उहदे उत्ते जोर आउंदा, वह जोर किहदे नाल आएगा, इहदे नाल आएगा दिस, आह जिहड़ी बिहारी आ वाला, ठीक है, आह बिहारी है ना जिहड़ी आह यूज़ कीती जांदी है उत्थे। हुण आपां गल करांगे औंकड़ दी। देखो यह जिहड़ी ऊ धुनी दा साउंड है ते ऊ धुनी दा चिन्ह है, इस दी वरतों पैर दे विच कीती जांदी है, यह आड़ा ते ईड़ी दे नाल नहीं वरती जांदी। हुण देखो हजे तक आपां तां अग्गे पिछे वाले गल कर रहे सी, कोई अग्गे वरती जांदी सी कोई पिछे वरती जांदी सी, पर हुण आ गई औंकड़ दी गल। जिहड़ा औंकड़ है ना यह अक्षर दे पैर विच पैंदा है ते इहदी जिहड़ी साउंड है ना वह थोड़ी जी लाउट लाइट होंदी है ते यह ना आड़े नाल वरत्या जांदा ना ईड़ी नाल वरत्या जांदा। बाकी देखो ऊड़े तो राड़े तक टोटल 35 अक्षर ने, 35 दे विच आ दो कढ दिओ, ठीक है, बाकी सारिआं दे नाल तुसीं 33 दे नाल इहदी वरतों आ जिहड़ी उह कर सकदे हो, ठीक है। हुण जिवें तुसीं हुण
वरतों किमें करते हैं अपना अक्षर इनू जोड़ा ये वाला अक्षर है ना उन्होंने आप पैर दे विच पाने हूँ देखो एक गल याद रखियो दुत अक्षर जेडे ओ होंगे ने ओहो हाहा रारा ते वावा ने ठीक है देखो हाहा लग है रारा लग है वावा लग है पर इनू तुसी ए नहीं कहते ए अक्षर ने यह औंकड़ आप औंकड़ की गल कर रहे हैं औंकड़ है जी यह पैर दे विच यूज होएगी ठीक है दैन अक्षर बनते हैं तो यह आड़े ते ईड़ी आ दोहां छड के बाकी सारिया दे नाल यूज होंदी है तुसी मेन याद की करना जिदे उत्ते एग्जामिनर थोड़े उत्तों डायरैक्ट प्रश्न पूछता पुत्रो तुसी आ चीज़ करनी है स्टूडेंट्स देखो आ याद होने चाहिए भी देखो अपन आह कि अक्षरों के नाल यूज नहीं होंगे है ठीक है वो आ चीज़ा पूछता होंगे थोड़े तो डायरैक्ट हूँ देखो अपना गल कर रहे थे औंकड़ की जिहड़ी औंकड़ है वह पैर दे विच लगती है ना आड़े नाल वरती जाती है ना ईड़ी नाल वरती जाती है बाकी पंजाबी दे विच जिन्ने जिहड़े अक्षर ने 35 चो दो कढ़ ते 33 बाकी सारिया नाल ही वरती जाती है बस दो अक्षरों नूं छड्ड के ठीक है आ गया समझ हुण देखो इहदी एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो किन्ने शब्द ने जिवें जुड़ना ठीक है फिर रुक ठीक है उस तो बाद है सुख जिदे विच जिहड़ा इह आंदा पैर दे विच ते इहदी जिहड़ी साउंड है वह मध्यम साउंड होंदी है देखो आड़े नूं छड्ड दो ते ईड़ी नूं छड्ड दो बाकी पैंतियां दे नाल इहनूं 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਨਾ ਊੜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਈੜੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਊੜੇ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ 33 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਊੜੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ आड़े नाल वरती जाती है ठीक है ऊड़ा ते आड़ा ते आपां बिहारी की गल करते हैं यह भी सेम ऊड़ा ते आड़ा इन्हां दे नाल नहीं वरती जाती हूँ देखो इत्थे तां कहिंदा तुहाडे कोल ऊड़ा चारों अक्षरां दे विच चारों लगा मात्रा च सेम आ गया ना ऊड़े की वरतों मुक्ते नाल हुंदी है ना कन्ने नाल हुंदी है ना सिहारी नाल हुंदी है ना बिहारी नाल हुंदी है ठीक है फिर आड़े दे नाल होर कहड़ा अक्षर है देखो इन्हां दोहां दे विच वरतों हो जाएगी ईड़ी दी ते इन्हां दोहां दे विच वरतों हो जाएगी आड़े दी समझ आ गया ना देखो ऊड़ा आड़ा उस तो बाद ऊड़ा आड़ा चार हो गए ठीक है अगे औंकड़ औंकड़ है जिहड़ी ऊ देखो ए तुसी जिहड़े देखो ऊड़ा दे नाल इहनूं वरत सकदे हो आड़ा ते ईड़ी आड़ा ते ईड़ी ये दो साउंड नूं छड्ड के बाकी सारिया नाल बेफिक्र होके वरती जा सकती है ठीक है हुण इस तरह देखो पांच लगा मात्रा हो गई टोटल किन्नियां ने 10 ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स हुण देखो अगे ये है दुलावा ठीक है दुलावा है जिहड़ा देखो दुलावे का जिहड़ा सिंबल है दुलावा यह ओ धुनी का चिन्ह है बेसिकली जिहड़ा दुलावा है वह देखो इदा पैंदा ठीक है इदा ठीक है तो जिहड़ा दुलावा है यह भी लावे की तरह ही जिहड़ा पैर दे विच पैंदा जिहड़े अक्षरां दे विच पैर दे विच देखो जिवें आ देखो ऊंट ठीक है सूरज ठीक है ये देखो जिहड़े अक्षरां दे पैर यह पैर दे विच चिन्ह वरते हैं यह किहड़े मात्रा किहड़े अक्षरां नाल यूज हुंदा आड़ा ते ईड़ी दो ही ने पंजाबी दे विच देखो बाकी किन्ने ने आ देखो टोटल किन्ने ने 35 माइनस 2 बाकी बच गए 33 ठीक है जिहड़े आ 33 ने इन्हां दो नूं छड्ड के एक आड़े नूं छड्ड दिओ एक ईड़ी नूं छड्ड दिओ बाकी तुसीं सारिआं दे नाल जिहड़ा इह दुलावा आ देखो इदां दा इह जिहड़ा सिंबल है इहनूं यूज़ कर सकदे हो जिवें देखो सूरज है
ऊंट है, इसी तरह किन्ने ही होर एग्जाम्पल ने जिहड़ियां आपां नूं आम मिल जांदियां ने। ठीक है, हुण उस तों बाद देखो ला, हुण ला किहड़ा ला है जिहड़ा ए ए धुनी दा चिन्ह है ए, ते देखो बेसिकली पैंदा इवें है। ठीक है, ए धुनी दा चिन्ह है ये जिहड़ा ना ए अक्षर दे उपर पैंदा। हुण देखो जिवें सिहारी बिहारी अक्षर दे नाल पैंदियां ने, कोई अगे सिहारी अगे पैंदी है बिहारी पिछे पैंदी है। ठीक है, हुण लावां ते जिहड़ा आपां गल करिए औंकड़ ते दुलैंकड़ दी, पहलां इह दोनों देखो औंकड़ वी पैर च पैंदा दुलैंकड़ वी पैर दे विच पैंदा, बट जदों आपां लावें दी गल करदे हां ते लावां ना जिहड़ा इह उपर यूज हुंदा, इक तरह अक्षर दे सिर ते कह सकदे हो अक्षर दे उपर। ठीक है, ते इह किहड़े चिन्ह नाल, इक ऊड़े इक आड़े, आ दो नाल नहीं यूज हुंदा, बाकी सारिया दे नाल यूज हुंदा। देखो बाकी 33 दे 33 अक्षरां दे नाल तुसीं लावें नूं यूज कर सकते हो सिवाय इन्हां दोहां दे। ते इह अक्षर दे कित्थे लगेगा, इह अक्षर दे उपर लगेगा टॉप दे उत्ते, है ना। जिवें देखो सवेर, ठीक है, हुण देखो जिहड़ा सवेर है आ देखो ये कितने यूज होया अक्षर दे उपर, क्योंकि इहदी वरतों ही अक्षर दे उपर की जा सकती है, ना तुसी इनू ऊड़े नाल वरतो जा सकते हो ना तुसी इनू आड़े नाल वरत सकते हो, बाकी सारे अक्षरां दे नाल है जिहड़ा तुसी इहदी वरतों कर सकते हो। ठीक है, हुण जिवें देखो एकम सवेर, है ना, किन्ने एग्जाम्पल ने अपने कोल, किन्ने ही अक्षर ने जिन्हां दे विच आपां इन्हां दी वरतों करदे हां, दैन आपां गल करांगे दुलावें दी आ वाला। ठीक है, हुण देखो दुलावें जिहड़ा इह ऐ धुनी दा चिन्ह है आ वाला। ठीक है, आ वाला जिहड़ा चिन्ह इहदे लई वरत्या जांदा है, ते इह वी इस अक्षर दी तरह अक्षर दे उपर ही वरत्या जाएगा अक्षर दे सिर दे उत्ते। ठीक है, ते इह वी ऊड़ा ते आड़ा इहदे नाल नहीं वरत्या जांदा। ठीक है, देखो ये जिहड़ा इह ए दी साउंड रीप्रजेंट करदा, इह ऐ दी आवाज रीप्रजेंट करदा। देखो कई बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाने भी लावां लाने का दुलावां लाने, वो एवं लावां ला दें, कहते नहीं नहीं चलो कोई नहीं दुलावां ला दो इत्थे, पर ऐदा नहीं हुंदा हैगा। ठीक है, एक्चुअली किवें पता लगता है, देखो जिहड़ी साउंड सिस्टम दे अनुसार चलदा है हर एक चीज़ है ना, जिहड़ियां मात्रावां अपना साउंड सिस्टम है, जिवें हुण देखो म्यूजिक प्लेयर है, हुण पंजाबी सोंग चलदा चलदा विच इंग्लिश सोंग आ जाए विच हिंदी सोंग आ जाए, ठीक है, ओह की सारा कुछ हौच पौच हो जाता, बट ये जिहड़े सेम सिस्टम है ना जिहड़ा लगा मात्रा दा, ये साउंड बेस्ड पंजाबी भाषा जिहड़ी आपां इहनूं गा सकदे हां। ठीक है, हुण गुरबाणी की गल करदा, देखो सारी गुरबाणी गाई जा सकती है, रागां दे विच है गुरबाणी लिखी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। हुण देखो जिहड़ा ला है ए दी आवाज़ रीप्रजेंट करेगा, इह ऐ दी आवाज़ रीप्रजेंट करेगा, ते इह भी अक्षर दे उपर यूज होएगा, अक्षर ऊड़ा ते आड़े इन्हां दोहां नूं छड्ड के तुसीं बाकी सारे अक्षरां दे नाल है जिहड़ी इन्हां दे इहदी वरतों कर सकदे हो। देखो 35 चों दो गए 33, बाकी 33 दे नाल तुसीं इसदी वरतों कर सकदे हो, बट इन्हां दोहां दा नाम याद रखियो, इन्हां दोहां दे नाल तुसीं इहदी वरतों नहीं करनी। दुलावें जिहड़ा देखो अक्षर दे उपर वरत्या जांदा है, हुण देखो जिवें जिवें एग्जाम्पल देखो पैर भैण, ठीक है, नैण, किन्ने ही अक्षर ने जिन्हां नूं दे आपां इन्हां दी वरतों कर सकदे हां। देखो 33 अक्षर ने, जिहड़े मर्जी वरती जाओ बस आह दो छड्ड के। ठीक है, उस तों बाद आपां गल करदे हां होड़े दी, जिहड़ा होड़ा इह ओ धुनी दा चिन्ह है ओ, ते इह वी इन्हां दी तरह अक्षरां दे उत्ते ही लगदा अक्षरां दे उपर। ठीक है, इह वी किहदे नाल नहीं वरतों हुंदा, एक आड़े नाल ते दूजा ईड़ी दे नाल, बाकी सारिया दे नाल तुसीं इहनूं वरत सकदे हो। ठीक है, इन्हां दोहां नूं छड्ड के देखो 33 दे नाल तुसीं वरत सकदे हो, बस दो दे नाल नहीं वरतने हैगे, वो दो किहड़े ने आड़ा ते ईड़ी, ते देखो जिहड़ी इह आवाज़ किहदी है ओ दी, ते इहदे लई जिहड़ा चिन्ह वरत्या जांदा होड़े लई चिन्ह दिस आ वाला।
ठीक है आ देखो आ वाला चिन्ह है ना जिहड़ा आह वाला दिस वन आ चिन्ह आपां वरत सकते हैं है ना जिवें देखो औंकड़ फिर उस तो बाद देखो पहला तो पहले जिवें तुहानू दस्सिया ये जिहड़ा ओ धुनी दा साउंड है ते एह आड़े ते एड़े नू छड़ के तुसी बाकी सारिया दे नाल इहदी वरतों कर सकते हो सिर्फ आ दो अक्खरां दे नाल इहनां दी जिहड़ी वरतों नहीं करनी ठीक है हुण इत्थे तक समझ आ गया देखो अगे देखो ओ धुनी दा चिन्ह है आड़े ते एड़े नू छड़ के तुसी बाकी सारिया दे नाल है जिहड़ी इहदी वरतों कर सकते हो ठीक है हुण जिवें उस तों बाद देखो आ देखो इहदे एग्जाम्पल देखो जिवें आ देखो मोर हो गया ठीक है फिर उस तों बाद शोर हो गया ठीक है सोटा हो गया ठीक है किन्ने ही शब्द ने है ना फिर उस तों बाद आपां गल करदे आ घनौड़े की जिहड़ा घनौड़ा है इह ओ की आवाज रीप्रजेंट करता है यह ओ की करता है यह ओ की करता है ओ ते ओ इह ही इन्हां च डिफरेंस है तो जिहड़ा इहदा चिन्ह है वह देखो ए देखो ये तो हो गया होड़ा बट इहदे नाल छोटी जी डंडी पाती ये बन गया घनौड़ा आ डिफरेंस है इन्हां दे विच ए साउंड रीप्रजेंट करेगा ओ दी ए साउंड रीप्रजेंट करेगा ओ दी उच्चारण वेले पता लगता देखो ओ ते ओ इह इन्हां दा जिहड़ा फर्क है हुण देखो जिवें अगे एग्जाम्पल आप किहड़ियां लिख सकते हैं जिवें देखो पकौड़ा आवाज आ रही है ना देखो आवाज तो पता लग रहा है ना आखो दोबारा लिख रहा पकौड़ा ओ ओ दी आवाज आ रही है उस तो बाद जिवें देखो सो ओ खा सौखा सौखा नहीं ये सौखा नहीं होंदा ये जिहड़ा शब्द है ना आ गलत होंदा ठीक है एक्चुअली सही आ होएगा फिर उस तो बाद जिवें मौसम ये शब्द नहीं होंदा मौसम नहीं होंदा ठीक है दिस रोंग दिस राइट ठीक है इहदे विच ओ दी आवाज आएगी इहदे विच ओ दी आवाज है आह ही इन्हां दोहां दे विच फर्क है जिहड़ा मेन ठीक है इस तरह देखो हुण आपां दस दियां दस लगा मात्रावां ने जिहड़ियां ओह प्रिपेयर कर लईआं भी दस लगा मात्रा किहड़े अक्षरां दे नाल यूज नहीं हुंदियां किहड़ा चिन्ह है जिहड़ा इहनां दे लई वरत्या जांदा हुण देखो स्टूडेंट्स मैं तुहानूं इक उरे बोर्ड दे उत्ते इक चार्ट बना दिंदा जिहदे विच लगा भी प्लस उहनां दे सिंबल ते किहड़े अक्षरां दे नाल उह नहीं वरतियां जांदियां ठीक है और मैं ड्रॉ करन लग्गिया तुसीं उहदा इक स्क्रीनशॉट लै लिओ तुहानूं बड़ी जिहड़ा तुहाडे लई बड़ा ईजी हो जाएगा याद करना भी इहदा सिंबल किहड़ा है ठीक है तो किहड़े अक्षरां दे नाल उह यूज नहीं हुंदियां आ देखो स्टूडेंट्स मैं और एक चार्ट प्रिपेयर करिया आ देखो ये सारा जिवें मुक्ता कन्ना सिहारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़ लावां दलावां होड़ा घनौड़ा देखो मुक्ते दा सिंबल कोई नहीं हुंदा कन्ने दा सिंबल अखर तो अद्धा सिहारी इस तरह बिहारी इस तरह देखो सारे चिन्ह दिते ने अपने उरे फिर किहड़े अक्षरां दे नाल इहदी वरतों नहीं हुंदी देखो बेसिकली तीन ही ने जिहड़ा ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी हुण तुसीं इक याद रखियो जदों भी इन्हां दी वरतों आवे जे इन्हां तों बिना तुहाडे कोल आ जांदा है ना बाकी आ देखो बत्ती जिवें सस्सा आ गया अड़ाड़ा आ गया कक्का आ गया खक्खा आ गया गग्गा आ गया ठीक है चचा आ गया जज्जा आ गया कोई भी आ गया ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਚਾਣਿਆ ਸਵਰ ਹੈ ਬਸ ਤਿੰਨ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਠੀਕ ਹੈ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆੜੇ ਦੀ ਆੜਾ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਆੜਾ 8 ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਏੜੇ 1 2 3
चार पांच छे एड़ी भी छे वारी है ठीक है। ये तुमने याद रखना इन्हों के नाल जी वरतों नहीं की जाती। आई होप स्टूडेंट्स तुसीं हुण लगा मात्रा बारे चंगी तरह समझ गए होवोंगे, तुहानूं पता लग गया होगा भी जिहड़ी लगा मात्रा ने वो किस तरह यूज़ करनिया ने, उन्हां दे चिन्ह किहड़े ने, किहड़े अक्षरां दे नाल आपां उन्हां नूं नहीं वरतों करनी, उन्हां दा साउंड सिस्टम किद्दां है, यूज़ की है, सारा कुछ मैनूं लगता हुण तुसीं बहुत ही चंगी तरह समझ गए होवोंगे। बेटा एक बार यार चार्ट दा ना स्क्रीनशॉट जरूर लै लो ठीक है, ये ना थोनू याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा भी किहड़े अक्षरां दे नाल आपां वरतों नहीं करते, किन्हां दे नाल है जिहड़ी वरतों की जाती है ठीक है। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।